कर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिचार्जेबल LED बल्ब बनाकर दिखाऊंगा और आपको वो सभी पुराने सामान से बनाकर दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से उसको घर पर ही बना सकते हो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पुराना कोई भी ख़राब LED बल्ब ले लेना है, चाहे तो आप 9 वाट का लें चाहे ये 12 वाट का। और एक आपको इस तरह से ये MC भी चाहिए LED बल्ब की, जो कि हमारी 4 वोल्ट में है। आप चाहो तो इस तरह भी ये बैटरी में लगती है, ये भी लग जाएगी। और एक आपको पुराना मोबाइल में से सर्किट, वो तो दोस्तों आपके पास होगा ही, कोई ना कोई पुराना कबाड़े पड़ा ही होगा। और एक आपको 3807 देखिए ट्रांजिस्टर चाहिए, और एक 220 ओम की रेजिस्टेंस, और दो ये डायोड 4007, और एक आपको ये लिथियम सेल चाहिए। तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसको हम साइड पे करते हैं एक बार दोस्तों, और जो LED बल्ब हमने इसको थोड़ा दोस्त देखिए यहाँ से इसको खोल कर रखा है दोस्तों, इसको के बैठाया और ये हमने इसको जैक खोल कर रखा है दोस्तों, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और इसको हम पेचकस की सहायता से यहाँ से इसको खोल दें दोस्तों। देखिए इस तरह से वो खोल दिया, हमें इस सर्किट की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ ये हीट सिंक ही चाहिए। तो लगी है, इसको हम निकाल देंगे। और हम इसको इसको हमें हम इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम जो हमारा सर्किट है वो बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये हमने इस पे 3807 ट्राइस्टर लगाया दोस्त देखिए, और आपने देखी ये डायोड है, देखिए इसका जो वाइट पट्टी है वो आपने इसके बेस पर रखनी दोस्तों। इसका क्या है कि देखिए बेस, कलेक्टर और अमीटर, और जो ब्लैक पट्टी है वो इसके मीटर पे लगानी है। देखिए हम इसकी जो लेग है वो थोड़ी छोटी करेंगे, क्योंकि तो हम दोस्तों जो सर्किट है वो बिल्कुल छोटा बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो LED बल्ब है उसमें भी हमें लगाना है। देखिए हमने इस तरह से लगा दिया। अब हमें क्या है कि जो दूसरा डायोड है उसको भी हम छोटा करेंगे। देखिए और जो उसकी ब्लैक, देखिए वाइट पट्टी है वो हमें इसके वाइट पे ही लगानी, देखिए बेस पे। और हम इसकी थोड़ी सी लेग को छोटा कर देंगे दोस्तों। और जो हमारे पास 220 ओम की रेजिस्टेंस थी उसको हम इसके डायोड का दूसरा सिरा है उस पर हम इसमें यहाँ लगाना, देखें ये देखो दोस्तों, बस इतना सर्किट है हमारा। देखिए सर्किट आपको दिख रहा होगा, देखिए बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसमें जो वायर है उसको हम कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं दोस्तों। तो क्या है कि हमने देखिए एक बार यहाँ पे पॉजिटिव के लगाई, जो हमारे बैटरी पे चार्ज जाएगा, चार्जेबल बैटरी पे। और जो हमारी ग्रीन वायर है वो हमारी यहाँ पे लगेगी, देखिए इसके मीटर पे। देखिए
ये हमारी दो वायर हैं, ये हमारी बैटरी की होगी दोस्तों। और इस पे हम क्या करेंगे, देखिए हमने एक वायर और यहाँ पे पॉजिटिव की लगानी है। देखिए ये हमारी वायर है, ये हमारी एलडी को जाएगी, एलडी जो हमारी एलईडी प्लेट है 4 वोल्ट वाली उस पे लगेगी। और ये हमारा जो सेंटर वाला इसका पिन है कलेक्टर, ये हमारा नेगेटिव बनेगा। देखिए ये हमारी दो वायर हैं जो ये हमारी इस पीसी पे जाएंगे, देखिए एलडी वाली पे। और हमारे दो वायर इसको यहाँ से 5 वोल्ट भी इसी सर्किट से हम देंगे दोस्तों, इसको 5 वोल्ट ऑपरेट कराने के लिए। तो इस पे हम क्या है कि देखिए दो वायर और लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों जो हमारा बेस पे है उस पे हमें जो चार्जर से नेगेटिव देंगे वो वायर लगेगी यहाँ पे। देखिए देख दोस्तों, और ये हमारी जो पॉजिटिव वायर है ये यहाँ पे ही लगेगी रेजिस्टेंस के एक साइड, यहाँ पे जो बाकी हमारी वायर लगी हुई हैं देखिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा वायर है जो हमारी अच्छी तरह इसको लगा लेंगे ताकि इसमें कोई भी हमें दोबारा दिक्कत ना हो। ये देखो दोस्तों हमने सभी वायर को लगा लिया है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए और हमारी ये एक वायर और जो हमारी ये वायर है ये हमारी बैटरी पे जाएगी, और जो हमारी एक ये वायर और हमारी ये यहाँ पे जो इसकी बेस पे लगी है ये हमारी सर्किट पे जाएगी, और ये हमारी एलईडी पे जाएगी। देखिए तो मैं अब आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ दोस्तों। तो क्या है कि अब देखिए हमें सर्किट में इस पर हम इस सर्किट में भी इसको फीडिंग करेंगे। देखिए हम देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ से हम इसको 220 वोल्ट एसी देंगे और ये हमारा आउटपुट है 5 वोल्ट। जो इसकी एलईडी है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, इसका हमें कोई भी काम नहीं। देखिए हमें एक वायर यहाँ पे लगाई जहाँ से हमने निकाली है, दूसरी वायर वहीं से लगाई थी। ये हमारी मेन सप्लाई होगी दोस्तों ऐसी। और देखिए इसमें क्या है कि जो हमारी रेड वायर है ये पॉजिटिव की और वाइट वाइट है जो नेगेटिव की है, रेड पॉजिटिव और वाइट नेगेटिव। देखिए हमने यहाँ से ये देख निकाली और एक जो हमारी वायर थी ये ब्राउन थी इसकी। देखिए और अब हम इसको सर्किट को थोड़ा सा टैप कर देंगे यहाँ पे जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिए और हम इस पे भी थोड़ा सा टाइप कर देंगे दोस्तों। क्योंकि क्या है कि इसमें हमारा जो एल्युमिनियम का है अगर इसके संग ये बॉडी अर्थ होगा तो हमारा ये जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएगा। और अब हमें क्या है कि देखिए इसमें जो हमारा लिथियम सेल हम डालेंगे तो इसमें क्या है कि
हमारा जब इसमें से देखिए इसमें लिथियम सेल लगाएंगे तो दोस्तों ये हमारा ऐसे नहीं आएगा। देखिए या तो यहाँ पे हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा और या फिर हमें देखिए ये हमारे पास एक जो फिटिंग वाली पाइप होती है वो हमने ली है। देखिए तो इस तरह से इसको यहाँ पे देखिए ये फिटिंग हो गई और इसमें हम इस तरह से इसमें लिथियम सेल डाल देंगे यहाँ से ऊपर देखिए, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको कट कर देंगे। दोस्तों मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों हमने इसकी पाइप को यहाँ पे इसके चिपका लिया देखिए, और अब हमें क्या है कि यहाँ से दो ये हमारी जो एसी की वायर हैं देखिए चार्जर वाली जो हमारी मोबाइल चार्जर की जाएगी, और ये हमारी पॉजिटिव की वायर है जो हमें लिथियम सेल पर लगानी है। यहाँ से हम इसको देखिए इस तरह से हमने बाहर आगे देखिए यहाँ से देखिए, अब में क्या है कि यहाँ से हम इसको लिथियम सेल को यहाँ से इस पॉजिटिव साइड पे रखना है। देखिए तो हम सबसे पहले लिथियम सेल को यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए और यहाँ पे हम पॉजिटिव वायर लगाएंगे पहले, नेगेटिव सॉरी दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव वायर लगाएंगे, उसके बाद ही हमें जो पॉजिटिव की वायर नीचे वो लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि सेल हमारा जो सेल है हमारा लिथियम सेल वो नीचे चला जाएगा तो हमें शोल्डरिंग करने में दिक्कत आएगी। दोस्तों अब हम इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ से आया और यहाँ पे हमें इसकी पॉजिटिव वायर को लगाना है। देखिए देखिए लग गई, और जो हमारी दो वायर हैं ये हमारी एसी की हैं। यहाँ पे हमारी शोल्डर हो चुकी देखिए, और देखिए यहाँ पे हमारे जो पाइप पे है वो इस तरह देखिए दोस्तों, और हम हमारा जो सर्किट है वो यहाँ पे इसमें इस तरह से लग जाएगा देखिए यहाँ पे, और ये है हमारा यहाँ पे देखिए, और जो ये हमारी दो वायर हैं ये दोस्तों हमारी यहाँ पे हम ये लगाएंगे एक बार हीट सिंक इसकी, तो दोस्तों मैं आपको इसको लगा कर और फिर दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए तो दोस्तों हमने इसको अच्छी तरह से चिपका लिया है देखिए, और फिटिंग भी हमने कर ली। तो अब हमें क्या है कि देखिए इस पे लिखा है नेगेटिव और पॉजिटिव, हमारी जो ब्लैक वायर है वो हमारी नेगेटिव की है, यहाँ पे लगाएंगे हम नेगेटिव। देखिए दोस्तों हम नेगेटिव वायर लगा ली, अब हम पॉजिटिव वायर लगाएंगे। देखिए देखिए जैसे ही हमने पॉजिटिव वायर लगाई हमारा बल्ब ग्लो हो गया, और देखिए हम इस पे ये रिफ्लेक्टर लगाएंगे। देखिए रोशनी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा। देखिए तो अब मैं आपको इसको टेस्टिंग करवा के दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए ये हमने एक होल्डर लिया, देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए 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 दोस्तों हमने ये इसको मेन सप्लाई एसी में दी, देखिए जैसे ही मैं इसको देखिए स्विच ऑन करूँगा ये हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों जैसे ही हम इसको, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारी जैसे ही हमारी लाइट चली जाएगी हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, और हमारी जैसे ही लाइट आएगी बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसकी क्या रोशनी काफ़ी, देखिए देखिए दोस्तों
तो दोस्तों रोशनी आपको दिख रही हो, कितनी अच्छी दिखी दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इस तरह से घर पर ही पुराने सामान से LED बल्ब बना सकते हो, रिचार्जर बल्ब। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।